नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेवन गार्डनिंग टिप्स एंड केयर में और आज का ये जो वीडियो है ये आ, एक विशेष औषधि पौधे के लिए है विशेष औषधि ये पौषा पौधा है अपना लेमन ग्रास जिसे कहते हैं थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा इसका नाम और लेमन ग्रास जो है बहुत यूज़फुल पौधा है हिंदी में इसे नींबू घास कह देते हैं लेकिन बाकी कॉमनली लेवन ग्रास के नाम से ये जाना जाता है इसका संस्कृत में नाम जो है वो भस्त्रीना है और आ, इसकी जो यूजेस हैं मतलब आ, इसके आप उपयोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। हर तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर बीमारी की बात कहूँ तो शारीरिक बीमारियां जो हैं या मानसिक बीमारियां हैं उनके लिए भी शारीरिक बीमारियों में भी पहले तो इसका अगर बुखार वगैरह हो जाता था तो काढ़ा बना के पिलाया जाता था बहुत पहले से प्रचलन में है ये भारत में इसका काढ़ा बना के पिलाया जाता था इसकी जो महक है थोड़ा नींबू से मिलती जुलती है इसीलिए इसे लेमन ग्रास कहा जाता है बहुत प्यारी महक होती है इसका <laughs> एक ऑर्डर थेरेपी वगैरह होता है कुछ थेरेपी जिसमें महक अच्छी अच्छी महक से आपके मन को प्रसन्न किया जाता है और एक बार मन प्रसन्न रहता है तो बहुत सारी बीमारियों को जीता जा सकता है अगर आप खुश रहना शुरू कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से जीत सकते हैं तो इसका उपयोग ऑर्डर <coughs> थेरेपी में भी किया जाता है और ऑर्डर सॉरी एरोमा थेरेपी उसे कहते हैं एरोमा थेरेपी में भी किया जाता है मैं आपको ये पौधा पहले दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वैसे मैंने इसे गमले में लगा रखा है एक ट्रॉपिकल पौधा है छोटे से गमले में मैंने इसे लगा रखा है और आ, इसका जो ये जो ऑयल निकलता है इसी पौधे से ऑयल निकलता है और इसकी महक जो है बड़ी प्यारी रहती है लेमन ग्रास ऑयल कहते हैं उसे और अगर इसका यूज़ मैं आपको बताऊँ तो तीन तरह से ये यूज़ हो सकता है पहला आप इसे अपने शरीर पे लगा सकते हैं इसका जो ऑयल है वो निकाल के बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स uh, जो आते हैं उसमें इसका यूज़ होता है स्मेल के लिए भी और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है जैसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है एंड uh, बहुत ज़्यादा एंटी भी इसमें होता है तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं जानता हूं उतने ही उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं और आ, ये आप सलाह वग़ैरह ले लीजिएगा डॉक्टरों से कि कहीं आप को एलर्जी तो नहीं इन सब चीज़ों से तो ये जो ऑयल है इसका आप बहुत सारे यूजर्स ऑयल के जैसे कि कभी कभी खुजली वगैरह हो जाती है तो आप इसका ऑयल आता है एसेंशियल ऑयल आता है बहुत सस्ता आता है मार्केट में आप उसकी एक दो बूंदें मिला के अपने नॉर्मल ऑयल में जैसे सरसों के तेल में मिला के या नारियल के तेल में मिला के लगा सकते हैं जिससे बहुत इजीली, बहुत आसानी से रिलीफ मिल जाता है बहुत सारी दवायाँ होती हैं आप खा सकते हैं लेकिन वो बहुत लेट रिज़ल्ट देती हैं इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट है और भी बहुत सारी चीज़ों में आप इसका ऑयल यूज़ कर सकते हैं जैसे सेलोलाइट वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है जब फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लटकता रहता है अलग तरह से दिखाई देता है आप इसको नॉर्मल अपने तेल में इसका एसेंशियल ऑयल जो आता है मैंने यहीं यही कहीं रखा भी होगा आम, अगर देखो नहीं यहाँ पर लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल रखा है ये इसका एसेंशियल ऑयल जो है नहीं अभी इस टाइम तो नहीं नहीं तो मैं दिखाता कहीं दि� मैंने रख रखा है उसकी महक मुझे बहुत पसंद है आप उसे अपने आजकल तो ये इलेक्ट्रिक डिफ़्यूज़र टाइप के मिलते हैं जो स्मेल के लिए आप उसमें कुछ लिक्विड डालते हैं उसके बाद उसे ऑन कर देते हैं तो महक पानी में मिला के तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी महक होती है और इसकी एक और खासियत रहती है मच्छर इससे बहुत दूर भागते हैं तो ये सब तो इधर उधर की इसकी खासियत हो गई और इसकी खासियत क्या है अगर औषधि यू यूज़ में इसकी बात की जाए तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं बहुत सारे यूज़ हैं इसकी चाय बना के पी जाती है चाय कैसे आप नॉर्मल दूध लीजिए दूध गर्म कीजिए उसमें इसकी पत्तियाँ तोड़ के डाल दीजिए तो इसकी पत्तियों की महक जो है अर्क जो है उसमें उतर आता है और बहुत ही प्यारी चाय बन के आती है लोग बहुत पसंद करते हैं और खासकर चाय के लिए ही हमारे अगल बगल मैंने देखा है बहुत लोगों को चाय के लिए ही इसे लगाते हैं और चाय के साथ साथ इसका जो औषधीय फायदे हैं वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें मैंने पहले बताया एंटी बहुत ज़्यादा होते हैं तो और एनर्जेसिक इफेक्ट भी होता है इसका इंस्टेंट काढ़ा बना के पेन रिलीफ करने के लिए भी पहले दिया जाता था इसे अभी के टाइम पे लेकिन उतना यूज नहीं होता क्योंकि लोग ईजिली पेन रिलीफ चाहते हैं ईजी के लिए लोग पेन किलर खा लेते हैं पेन किलर वगैरह का इंस्टेंट असर रहता है जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो इसको भी यूज़ किया जाता था बहुत सारे अभी भी आ, आपके पैर दर्द के इन सब के ऑयल वगैरह भी आते हैं जिसमें ये मिला रहता है पैर दर्द के लिए अगर और मैं बातें करूँ तो बॉडी डाइजेशन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है इसकी चाय अगर आप पीते हैं तो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है आप नॉर्मल चाय पीना छोड़ दीजिए क्योंकि नॉर्मल चाय जो होता है फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करती है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है बस एडिक्शन रहता है आप खाली पेट चाय पीते हैं आपको एसिडिटी टाइप हो जाती है उसके बाद सारा दिन जो है पेट की दिक्कत कब्ज़ वगैरह रहती रहती है आप कोशिश करें इस चाय पीना बहुत ही प्यारी इसकी महक रहेगी और एक बार आप पिएंगे आपका हमेशा पीने का मन करेगा उसमें थोड़ी तुलसी के पत्ते मिला दीजिए उसके औषधीय दी, गुण और बन जाएंगे जैसे कि आप जानते होंगे तुलसी की पत्तों में भी जो एक महक होती है उसमें भी ये आ, अलग सी एक क्वालिटी रहती है कि वो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करती है इसीलिए आप मंदिर वगैरह में जाते होंगे तो आपको आ, Uh, काफ़ी रिलैक्स फील होता होगा अगर वहाँ पे अलग सी एक महक आती है तुलसी की महक में भी यही खासियत रहती है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है जिसके कारण ये महक रहती है लेकिन ये महक होती है जिससे स्ट्रेस कम होता है वैसे ही कुछ महक इसकी भी रहती है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर इस चाय की बात की जाए तो चाय में तुलसी और आप ये मिला के उसकी क्वालिटीज़ और बढ़ा सकते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा लोग तो कहते हैं कि मतलब डायबिटीज़ वग़ैरह में भी मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आप यूज़ करते हैं अगर इसकी पत्तियां तो बहुत फ़ायदा करती है जिसको है और ये प्रेश, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है और और वेट लॉस वगैरह के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है अगर ओके okay, मैं एक बार फिर से इसे आपको दिखाता हूँ वेट लॉस वगैरह के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है Uh, बहुत ही कॉमन सा अगर आप इसे ज़मीन पे लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी ट्रॉपिकल पौधा है धूप पसंद है बहुत जल्दी में बहुत तेज़ी में ये चारों तरफ फैल जाता है और बहुत ही जल्दी में आ, आपको कुछ खास इसमें केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस आप इसकी आपको इसकी महक मतलब पहचानने के लिए क्या करना है ये सरपत आप जानते होंगे कुछ जानते होंगे वैसे ही मिलता जुलता है बस इसकी जो महक है जैसे एक पत्ती मैंने तोड़ी और ये महक अगर आप सूंघ के देखेंगे तो ये महक आपको बता देगी इसकी महक एकदम अलग है और जितना आप इसे निचोड़ेंगे उतना ये नींबू नींबू से मिलती जुलती है इसीलिए इसे लेमन ग्रास या नींबू घास के नाम से जाना जाता है तो इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं आप औषधि के साथ साथ मतलब आ, स्किन जो है आपकी उसके लिए भी अगर आप इसकी चाय पीते हैं तो स्किन आपकी और चमकदार और ग्लोइंग होगी आप इसके एसेंशियल ऑयल जो है नॉर्मल ऑयल में मिला के मसाज कर सकते हैं इसका मसाज का लगा सकते हैं बॉडी में अगर आपके सेले वगैरह है बहुत ज़्यादा उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है ये बता ही दिया है मैंने मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं इसके फ़ायदे और नॉर्मल चाय पीना छोड़ दीजिए क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत बेकार रहती है कोई फ़ायदा नहीं रहता है आप इसकी चाय पीजिए अपने घर में लगाइए लेमन ग्रास और अपने अनुभव जो है हमसे शेयर करिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा आपको कैसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं ये वीडियो इतना ही रहेगा अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है थोड़ी काम की लगती है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसको शेयर करते रहें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता बढ़ा रहे वीडियो बनाने के लिए और थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो इतना ही रहेगा